अरे कहाँ गिरा दियो तुम, एक्टिंग ज्यादा सेहत के लिए अच्छी नहीं है। फ्रंट पेज में खबर क्यों नहीं दे दे रहा है? टैलेंटेड माँ को देखो भाई, पेंसिल से पेंट भर दे रही है। उसको ये लगा था कि आप मुझे खूब डांटोगे। मेरी किस्मत में है ही नहीं ना मम्मी, आ क्यों नहीं रही हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। जो भी चेहरा पहली बार देख रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जिसने भी पहले से कर रखा है थैंक यू सो मच। तो जी आज है 21 अक्टूबर, चलो शुरू करते हैं आज का दिन, देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। क्या कर रहे हो मेरे आदिल? गुरु पानी का घूंट क्या पिया, क्या बन रहा है आज? आज सब्जी बन चुकी है, आलू और भिंडी की सब्जी। वाह, दाल बन रही है, अरहर की। एक तड़का नहीं मारा गया है क्या? तड़का तुम नहीं मारना है। तो चलो जी करते हैं काम शुरू। और आप भाई, आप लोगों की दिवाली की सफाई अब शुरू नहीं हो रही है, हमारी तो कब से चल रही है और खत्म भी नहीं हो रही है। तो आज भी बहुत सारे काम है, कपड़े अपने धोने हैं। और क्या आप लोगों के वहाँ भी ऐसा होता है कि जो कमरा सबसे पहले साफ हो जाता है ना, जहाँ सबसे पहले सफाई हो जाती है, वो फिर बाकी कमरों के लिए काइंड ऑफ स्टोर रूम बन जाता है। सबसे पहले हमारा बैठक साफ हो चुका था, और अब जो भी कमरे हम साफ कर रहे हैं, जो भी जगह हम साफ कर रहे हैं, चलो ये वाले कपड़े ऐसे हैं, चलो अब बैठक में रख देते हैं, यहाँ का सामान उठा के, यहाँ पे तो जगह नहीं है, बैठक में रख देते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, प्लीज बता रहा? या फिर हम ही लोग इतने अनोखे इंसान हैं? मम्मी औरों के वहाँ भी होता होगा क्या? क्या पता, मैं किसी के यहाँ तो गई, अपने घर का मुझे पता ही ऐसे ही होता। हमारे घर में ऐसा ही, हमारे ऐसा ही होता, ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा है हमारे घर। तो जी दाल में तड़का लगा दिया है, गैस तेज है, हाँ अब इसमें उबाल आएगा, उसके बाद दूसरा वाला तड़का लगाऊंगी जब हम खाना खाने बैठेंगे, क्योंकि उसी वक्त फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो ये हो गया है। Cheers! ये जो पहला घूंटे से जाता है ना, तो जी हमारा तड़का लग चुका है। दादी के लिए मैंने अलग से निकाल दी बिन मिर्च वाली, और ये रही हमारी तड़के वाली मिर्च वाली दाल। कैसा लग रहा मम्मी? देखने में तो अच्छा लग रहा, खाने में भी अच्छा होगा। Approximately 10 hours later. दोस्तों अभी मैं जस्ट खा पी के आई हूँ, और मैं फ्रिज में सामान संभाल रही थी, और देखो भाई मैंने क्या कांड किया है। ये देखो पूरा दही का बर्तन गिरा दिया, अभी मैं डांट खाती हूँ। कहाँ कहाँ दही गया है भाई, ये देखो पूरी अलमारी में, वो फ्रिज में। ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं ही बिल्कुल आज कृष्ण कन्हैया बनी हूँगी, आज जन्माष्टमी का दिन होगा, और मुझे को माखन खाने की जल्दी थी और मैंने पूरी मटकी फोड़ दी। यार कैसे काम होते हैं मेरे, अब फटाफट से साफ करूँ इसे। मैं क्या क्या कांड करी हूँ, मैं अभी कटोरा लेने गई वहाँ, और मैं फिसलते फिसलते बची हूँ, क्योंकि मेरे पूरे पैर में जिस तरह से दही लगा है ना, इतना वो रहा है, वो चिकनाहट इतनी है उसमें कि मैं फिसलते फिसलते बची हूँ। चलो इसको फटाफट से साफ कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि मुझे एपन बनाने हैं, और शायद से किसी ने अभी सुना नहीं क्योंकि वो लोग टीवी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, क्या होते हैं करोड़पति देख रहे हैं। तो उस करोड़पति देखने के बाद मम्मा आती है मेरे रूम में, उससे पहले मैं यहाँ सफाई कर लेती हूँ, और मैंने सोचा फटाफट से काम पूरा करती हूँ, उसके बाद एपन निकाल के सोती हूँ आज टाइम से, लेकिन मेरी किस्मत में है ही नहीं ना। ये देखो ये काम ख़त्म नहीं हो दे रहे, मैं बड़ा और दे रही हूँ। चलो दोस्तों मैंने सारा मामला सुलझा तो लिया है, सारा ऐसे समेट तो लिया है, मम्मा ने वो आवाज़ नहीं भी सुनी होगी ना तो भी, लेकिन ऐसे स्मेल आ रही है ना, मतलब मुझे पता है ना क्या हुआ है करके। और चलो बना लेते हैं एप्पल। बदतमीजी मत करा फालतू की, क्या हुआ? दही का पूरा बर्तन ऐसे गिर गया मम्मी से। अबे मम्मी से क्यों गिरेगा? अब एक तो तूने ऐसे यार रोशनी चमका रही मेरी आंखें है। अबे दही का बर्तन हाँ। मैं ऐसे लेके आई फ्रिज में रखने के लिए हाँ। और वो भड़म ऐसे पूरा पूरे कमरे में दही दही हो गया था। ज्यादा था क्या वो? अबे पूरा डोंगा भरा हुआ था, यहाँ छींटे भी तो दिख रहे हैं। चुप कर यार, वो देख पीछे उसमें। अबे मैंने बहुत अच्छे से साफ किया, हाँ मुझे पता है वो डब्बे में दिख रहे थे, मेरे को बहुत आलस आ रहा था, मैंने कहा वहां तक तो किसकी नजर जाएगी, तेरे को वीडियो दिखाऊं, वीडियो नहीं है मैंने इतना।
अब तू मम्मी से चुगली मत कर दे रहा। मैं क्यों करूंगा, मुझे पता है तू पक्का बताएगा, मैं नहीं दिखा रही हूँ। मम्मी तू अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत बदतमीज है। बिग बॉस तो होना चाहिए घर के अंदर जब तू मेरे को फंसाती है। नहीं हुआ है, चलो एपन बनाते हैं, शुरू करते हैं। फ्रेशनर क्यों नहीं डाल दे रही है मामा? रूम फ्रेशनर डाल दे यहाँ पर क्या? अबे बहुत ही अजीब सी स्मेल नहीं आ रही यहाँ पर? तेरे से आ रही होगी, तेरे पैरों से आ रही होगी, जब पैर धोया। बहुत ही वो जैसी क्या कहते हैं वो, जैसे दही की खट्टी सी स्मेल आ रही है यार। तेरे से पसीने की आ रही होगी। आ तो रही है। अरे पसीने की नहीं, स्मेल नहीं आ रही वो। देखो अम्मी इसी को सूंघो, इसी से आ रही होगी। अरे मेरे से दही की कहाँ से? इसके पैरों से आ रही होगी, जूते की बदबू आ रही होगी। अरे यार बहुत गंदी सी आ रही है यार यहाँ पर, ऐसा पता नहीं तू, मेरे को ऐसा लग रहा है दही फैले वाले की हवा आती है ना, बदबू ऐसी आ रही है। कहाँ दही काम गिर रहा है, कहीं दिख रहा दही पहले जैसी बदबू आ रही थी, जैसे किसी ने दही गिरा दिया। अरे कुछ नहीं हुआ है, चलो एप्पल बनाते हैं। आओ मम्मी डिसाइड करते हैं कौन सा डिजाइन है। क्या यार इसके चक्कर में लगे हो, एप्पल का वो मैंने देखो ये मैंने बना रखा है यहाँ पे। स्कैम 1992 के बाद यहाँ पर हुआ है, सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। गिरा था क्या? बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। आवाज तो मैंने भी सुनी थी एक बार, आवाज सुनी, लेकिन मैं सोचा कोई किचन में कोई बर्तन गिरा होगा। यहाँ पे वीडियो बना रखी है उसने, ये दिखा उसने। तभी तो पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है, हर समय ऐसी करती है, कुछ भी गिरा देगी, कुछ भी फोड़ देगी, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। अरे उसने देखना कमजोर क्या है वो दही, मतलब पूरा परिवार पूरा खानदान हमारा खा लेता वो दही को। आधा किलो दही पूरा था वो, पूरा गिर गया वो। अभी तो इतना तो मैंने किया यहाँ पर, तू करी ना दे। क्यों अभी यहाँ पर लगा रखा था मैंने, पूरा साफ कर रखा है। फिर जब वो स्मेल हद से ज्यादा हुई, मेरे बरमान में चढ़ने लगी, उसके बाद मैंने कहा मम्मी को बता देता हूँ करके। अच्छा तभी बुलाने आ गया, पर देंगे अभी पर डाल कर। अरे तो यार तू कह नहीं रही उसका कुछ है, कहना चाहिए। कह तो दिया, ध्यान रखे कहाँ रहता है हर समय। अभी मैंने करा होता मेरा गला दबा दिया होता भयंकर वहां पर, अभी तक का बिल्कुल न्यूज़पेपर में आ गया होता। इसका काम ही ऐसी अंधा है या उससे बस ध्यान नहीं रहता इसका, जैसे कितने सम्मान के साथ कितना अच्छा काम होगा उसका। चलो हो जाता है गलती से कभी गिर। अरे गलती आधा किलो दही यहाँ हुआ, भाइयों पे ना कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये आप लोगों के लिए भी लेसन है, मत करना कभी भरोसा। हाथ पे भी अपने भरोसा कंट्रोल रखना चाहिए, ऐसे बर्तन नहीं गिराना चाहिए। अबे इतना जोर से आवाज आई, मैं तो ऑफिस से आ रहा था, वहां से आवाज सुनाई थी मेरे को। हो गया तेरी बकवास खत्म हो गई, तू जान निकल ले। क्यों आया तू आज जल्दी, फ्रंट पेज में खबर क्यों नहीं दे दे रहा है ताजा खबर? रात को चिल्लाता कौन है, अच्छा खासा अपना काम जो कर। यहाँ पर भयंकर गिर गया कोई बात नहीं, और कर ओवर एक्टिंग। तभी तो कहा गया है ओवर एक्टिंग ज्यादा सेहत के लिए अच्छी नहीं है। भाई और बहनों कभी भी अपने छोटे भाई बहनों पे ना ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब मैं इतने प्यार से बता रही हूँ उसे कि पता है ऐसा हुआ, मम्मी आ क्यों नहीं रही, मकसद ही फेल हो गया। बहुत बकवास हो गया, मतलब एक घंटे का तो बस डांट का ही पूरा सिलसिला चल दिया है। चलो टैलेंटेड माँ को देखो भाई, पेंसिल से पेंट भर दे रही है। वाह मम्मी वाह, कहाँ से सीखा इतना टैलेंट आपने? ब्रश नहीं दे रही तू मुझे? अरे बोल तो लो, जोर से बोल रहे हो तो। मैं कह रही ब्रश ही नहीं दे रही तू, मैं क्या करूँ? ब्रश मैंने क्या देना है, देखना मम्मी मेरे शेप भी सही कर देगी जो मैंने बिगाड़ रखे अभी देखना आप लोग ये देखो। चलो जी दोस्तों, एप्पल बन चुके हैं, टाइम रात का
एक बज गया है, थोड़ा सा सो लेते हैं, मतलब थोड़ा सा क्या, मैं तो पूरा ही सोऊंगी, प्रॉपर सोऊंगी, बस मम्मा के पास 3 घंटे हैं उठने के लिए, तो मम्मा थोड़ा सा ही सो पाएगी। पता है क्या, ये ना पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब पूरे घर की मतलब हर एक डेली में अपन बन रहा है और मैं अकेले से बना रही हूँ, मतलब मम्मा भी हेल्प कर रही है, कैसे मोटा मोटी देखा जाए तो मैं बना रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम तक जब भी हमने ऐसे किया है कि घर की हर एक डेली में अपन बनाया, क्योंकि बीच बीच में ऐसा होता है कि एक आध डेली जब थोड़ी खराब सी होने लगती है तो हम उसमें बना लेते हैं, वरना जब हमने प्रॉपर हर एक डेली में बनाए थे ना, वो तब बनाए थे या तो दी की शादी में बनाए होंगे या फिर पता नहीं शादी में ही बनाए होंगे शायद, और तब तक तो भाई दी तो भाई इन सारे कामों में एक्सपर्ट है, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, और तब तक ये होता था कि मैं खाली एक दो डेलियां बनाती थी, बाकी मम्मा और दी दोनों सारे काम निपटा लेती थी। तो चलो भाई ये व्लॉग मतलब मैंने क्या करने के लिए स्टार्ट किया था और कहाँ से कहाँ, भाई ने भाई ये व्लॉग कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, पूरा व्लॉग ऐसा लग रहा था कि बस मुझे डांट खिलाने में ही उसने बिता दी, लेकिन उसको भी उसमें संतुष्टि नहीं हुई कि मम्मी ने डांटा क्यों नहीं। तो चलो भाई करते हैं अब इस व्लॉग को यहीं पे खत्म, अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, मिलते हैं आप लोगों से होपफुली कल के व्लॉग में, तब तक के लिए वी लव यू ऑल, बाय बाय।